अंतराल 3 बजे। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द सेकेंड एपिसोड ऑफ पारसनाथ के ट्रैकिंग। सो अभी सुबह की बज रही है 5:30 एंड हम लोग पूरी तरह रेडी हो चुके हैं। देख सकते हो अब थोड़ी थोड़ी फॉग है, एंड आप मेरे पीछे माउंटेन देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा फॉग है। और ये कुछ छोटी छोटी जैन धर्म की मंदिर जिनकी बात मैं रात में कर रहा था, बहुत ही सुंदर सुंदर ये मंदिर है। एंड ये है माउंटेन, इसके पीछे भी बहुत सारी माउंटेन है जिन्हें है 5:45 एंड पूरा रोड फाका है। एंड अभी हम लोग यहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे, देखते हैं कैसा है ये पारसनाथ का हिल। कुरकुरे कितना? 2.15 ना, बिस्कुट 15-2। और ये पानी तो यहाँ से सब सिंगल रहता है ना, ऊपर और ज़्यादा डबल हो जाता है ना। 2 मोड़ के बाद डबल ही आपको मिलेगा, 20 का 40 मिलेगा, 20 का 40 ना। सो अभी हम लोगों ने यहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत खाने का सामान लिया, बिकॉज ऊपर बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है। सो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, यहाँ से ही थोड़ा सा महंगा हो जा रहा है। 5 का कुरकुरे 10, 2 लीजिएगा तो आपको 15 पड़ेगा, वैसे 2 का हिसाब से यहाँ पर दिया जा रहा है। एंड ऊपर लीजिएगा तो 5 का 10, 10 का 20, 20 का 40 ऐसे ही डायरेक्ट है। सो आप अगर आते हो इधर माउंटेन पे तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। दैन ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सो लेट्स गो। ऑलमोस्ट फर्स्ट माउंटेन के एकदम करीब है। कितना किलोमीटर चढ़े हम लोग को पता नहीं, बट हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। बहुत ज़्यादा नहीं, फिर भी थोड़ा हालत ख़राब हो चुका है, स्वेटिंग हो रही है पूरी। हम लोग यहाँ पर 10 मिनट के लिए बैठे हैं, एंड यहाँ से बैठने के बाद अभी हम लोग जाएंगे ऊपर की ओर। सो बैठ कर, चिल कर कर, पानी पी कर चलते हैं ऊपर की ओर। ब्लॉग में बने रहें, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला, ऊपर का जो व्यू है बहुत ही अमेजिंग है। चलते हैं ऊपर। हम लोग 3 किलोमीटर ऊपर चढ़ चुके हैं, एंड वहाँ आप देख सकते हो पारसनाथ हिल मंदिर 7 किलोमीटर वहाँ पे है, आप देख सकते हैं। और जाना है, आइए देखते हैं ये पहला मंदिर कैसा है। सो लेट्स गो। सो सुबह का टाइम है इसलिए पूरा मंदिर खाली है, और हल्की हल्की बारिश हो रही है भैया। सो आप देख सकते हो ये बहुत भगवान का मंदिर है, तो अंदर फोटो खींचना मना, जैसा कि भैया ने बोला। सो अभी हम लोग चलते हैं बाहर, ये फर्स्ट मंदिर हो गया, एंड अब ये ट्रैकिंग और जारी रखते हैं, बने रहिए ब्लॉग में, मज़ा आएगा। सो चलते हैं आगे। Thank you.
गाइज हम लोग सेकेंड माउंटेन की ओर जा रहे थे, बट हम लोगों को यहाँ पर एक छोटा सा वाटरफॉल मिला जो आप देख सकते हो हमारे पीछे। तो इसी वाटरफॉल के पास हम लोग रुके और यहाँ का पानी जो है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है पानी छूकर। तो अभी हम लोग निकलेंगे आगे की ओर, बट हम लोगों ने यहाँ पर कुछ सिनेमैटिक्स बनाए जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। तो हम लोग चलते हैं आगे एंड आप ये सिनेमैटिक्स एंजॉय करो। कुछ नहीं है दोस्त, कुछ नहीं है, बोर्ड में लिखा हुआ। सो बेसिकली 6 किलोमीटर हम लोग ट्रैकिंग कर चुके हैं अभी तक और हम लोग को 4 किलोमीटर और जाना है ऊपर। यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं, यहाँ से ये रास्ता जाता है पारसनाथ की ओर और ये रास्ता जाता है गौतम शामिर की ओर। तो ये गौतम शामिर का रास्ता उधर से होकर उस माउंटेन पे जाता है और पारसनाथ को सीधा इधर से इधर जाता है। सो हम लोग अभी जा रहे हैं गौतम शामिर की ओर क्योंकि उधर से ही होकर उधर से रिटर्न नीचे आना पड़ता है। तो हम लोग को दोनों एक बार में कवर कर लेना है जिससे टाइम भी बचे, बिकॉज हम लोग को रिटर्न जाने के लिए भी ट्रेन हम लोग का शाम को है 5 बजे और अभी 9:30 बज गया है। 6 बजे हम लोग रूम से निकले थे और 3.5 घंटे की ट्रैकिंग में ही हम लोग सिर्फ 6 किलोमीटर तक खेड़े हैं एंड अभी हम लोग को और ऊँचा जाना है। सो चलते हैं ऊपर गौतम शामिर मंदिर की ओर। सो लेट्स गो। हम लोग पूरा चढ़ चुके हैं, बस 500 से 800 मीटर और है एंड ऊपर वो मंदिर है जो आपको टावर दिख रहा है, वहाँ पे मंदिर है। सो और थोड़ा सा बचा हुआ एंड व्यू देख सकते हो आप कितना अमेजिंग है, पूरी फॉग ही फॉग है। कैमरा में भले ही अच्छे से नहीं दिख रही होगी बट फॉग हमारे सामने से गुजर रही है, आप देख सकते हो। बहुत ही अमेजिंग प्लेस है, बहुत ही मज़ा आ रहा है और सजा भी है क्योंकि ट्रैकिंग में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रहा है। आप मेरा फेस देख कर ही आपको पता चल जाएगा कितना ज़्यादा हालत ख़राब हो रहा है। सो अभी चलते ऊपर। सो लेट्स गो। वो रहा मंदिर, कृपया जूते चप्पल अपने वस्तु नीचा था। सो ये अभी हम लोग आ चुके हैं मंदिर के ऊपर एंड ये है मंदिर का बैक साइड। अभी हम लोग जाएंगे मंदिर के फ्रंट साइड और वहाँ से आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसा है ये मंदिर। मेरे चारों ओर फॉग ही फॉग है, कुछ दिख नहीं रहा होगा, मैं भी सही से दिख रहा हूँ कि नहीं पता नहीं। सो आप लोगों को मैं इस मंदिर का थोड़ा सा सिनेमैटिक दिखाता हूँ एंड अभी हम लोग यहाँ थोड़ा सा फोटो शूट करेंगे, तब तक आप लोग ये थोड़ा सिनेमैटिक एंजॉय करो।
सो सी। अभी जो आपने देखा था ये है पारसनाथ मंदिर एंड चारों तरफ देख सकते हो फॉग ही फॉग है, मेरे सराउंडिंग कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, चारों तरफ से फॉग ही फॉग है। बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत ही अमेजिंग प्लेस है। और अभी ये पारसनाथ टेंपल पीछे देख सकते हो एंड मैंने आप लोगों को ये मेन मंदिर है, इसके नीचे दाएं ओर से एक गुफा जाता है वहाँ पे भी आप लोगों को दिखा, इस साइड भी दिखाया। और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि चारों ओर से माउंटेन्स दिखाऊं बट इतना ज़्यादा फॉग है कि कुछ दिख ही नहीं रहा है। एंड अभी हम लोग नीचे उतरेंगे, नीचे उतरने में भी हम लोग कम से कम 2.5 से 3 घंटा लगेगा, चढ़ने में 5 घंटा अप्रोक्स लगा एंड नीचे उतरने में भी वही 3 घंटा लगे, अभी हालत और ख़राब होगा। सो यही था पारसनाथ, झारखंड का सबसे ऊंचा हिल। सब 6 बजे से ट्रैकिंग करने के लिए निकले थे एंड ऑलमोस्ट हम लोग को आते आते 11:30 बज गया। यहाँ से रिटर्न रूम जाना है और कुछ सामान पैक करके शाम को 5 बजे ट्रेन है तो उसी से जाना है। सो आई होप यू ऑल गाइज लाइक दिस टेम्पल, बहुत ही भव्य और बहुत ही पुरानी मंदिर है ये और बहुत ही ऊँचाई पर है, 10 किलोमीटर ऊपर ज़मीन से। So I hope you all guys enjoyed this vlog and if you did then give a big thumbs up and make sure to subscribe this channel. Subscribe karna mat bhulna guys, bahut hi zyada mehnat laga is video ko banane mein, jo bhi jaisa bhi bahut hi zyada mehnat laga hai, subscribe kar dena channel and bell icon zarur press karna agar aapko video achhi lagi ho to. Tab tak ke liye thank you, dhanyawad and stay tuned with this channel. Jai Hind.